प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय एक से लेकर छह तक हम वचनों को पढ़ेंगे। सर्दिस की कलिशिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की सात आत्माएं और सात तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने किसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सर्दिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। ये श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वह इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गीय दूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलिशियाओं से क्या कहता है। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। इन दिनों में हम प्रकाशित वाक्य में से कलिशिया के बारे में पवित्र आत्मा एक एक बातों को हमें सिखा रहे हैं, उसको हम ध्यान करते आ रहे हैं। एक एक कलिशिया में क्या क्या कमी है, क्या क्या बात बदलना है, क्या क्या बात छोड़ना है, क्या अभी उन लोगों को पवित्र आत्मा करने के लिए कहा है करके हम एक एक कलिशिया के बारे में ध्यान करते आ रहे हैं। आज हम देखेंगे सर्दिस का कलिशिया के बारे में पवित्र आत्मा क्या बता रहा है, वही हम देखने वाले। उस कलिशिया के बारे में बोलते समय पवित्र आत्मा से कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तुम जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ। वो कलिशिया के बारे में पवित्र आत्मा का यही बात है, वो कलिशिया का काम को जानता है। हर एक काम को परमेश्वर का सामने खुला है, कोई भी बात छिपी नहीं। हम बोलते हैं ना कभी कभी, मैंने वो किया ये किया, चिंता नहीं करना है, क्योंकि मालूम है अगर आप जो भी काम कर रहे हो, भला कर रहे हो, आप परमेश्वर का वचन के अनुसार आप चल रहे हो, निंदा उठा रहे हो, विश्वास में आप खड़े हो, आप जो जो प्रयास कर रहे हो, काम कर रहे हो, हर एक कामों को परमेश्वर जानता है। लेकिन क्या है उस काम, परमेश्वर का दृष्टि में कैसा रहना चाहिए, वही हमको जरूरी है। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमारा काम होना चाहिए, वही भरपूर है। हमारा इच्छा के अनुसार हम कितने भी मेहनत करें, प्रयास करेंगे, वो परमेश्वर के सामने भरपूर नहीं है। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर के सामने वो भरपूरी को दर्शाता है, दिखाता है। यहाँ देखिए, इस कलिशिया देखने में जिंदा है, वो भी बोल रहा है मैं जिंदा हूँ। आज भी लोग ऐसे बोलते हुए अब सुनते होंगे, मैं तो प्रभु में हूँ, मैं तो प्रभु में हूँ, लेकिन उसका काम प्रभु के सामने मारा हुआ है। वो लोग बोल रहे हम तो मसीह में हैं, लेकिन उनका काम हर एक बातों का आप देखिएगा पूरा परमेश्वर के विरोध में, उनके वचन के विरोध में रहता है। मतलब वो लोग दुनियादारी में चलते, अपने मन मर्जी से चलते, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं है। तब ऐसे लोग परमेश्वर के नज़र में मरा हुआ है। अपने बुद्धि में अपने मन मर्जी से चलने वाला क्या है, घमंड से चलते। वो लोग सोच रहे हैं मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो भी कर रही हूँ सही है,
मेरा निर्णय सही है करके। लेकिन वचन में क्या लिखा है मालूम है? शारीरिक विचार मृत्यु है, आत्मा के विचार जीवन और शांति है, क्योंकि जीवन देने वाला पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा जिलाने वाला है, जीवन देने वाला है। इसके लिए हमेशा हमको क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। यहाँ इस कलिशिया के अंदर वही कमी है। कलिशिया सोच रहा है हम तो जिंदा है, लेकिन कलिशिया के अंदर पूरा क्या हुआ है? पूरा मरा हुआ बात। परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, सारा दुनियादारी उनके अंदर है, घमंड, जो मरा हुआ कामों को लोग पकड़कर वो लोग बोल रहे हैं हम तो सही है, हम तो सही कर रहे करके। वहाँ पवित्र आत्मा का जगह नहीं है। पवित्र आत्मा को जो लोग चलाना देते हैं वो लोग सही मार्ग में जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा में धार्मिकता के मार्ग में लेकर जाता है। वो धार्मिकता के मार्ग में वहाँ क्या रहेगा? जीवन रहता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो कलिशिया के ऊपर प्रेम करता है, वो कलिशिया के ऊपर एक दून के साथ रहता है। इसलिए पवित्र आत्मा भी कलिशिया को दून के साथ वो क्या करता है? संभालता है। कोई भी उसको छूने नहीं देगा। क्यों? परमेश्वर ने अपने खुद के लघु से उसको, कलिशिया को ग्रहण किया, कलिशिया को स्वीकार किया। बहुमूल्य लघु से, पवित्र लघु से कलिशिया खरीदा गया है। तब ऐसे कलिशिया को कोई छोड़ेगा? परमेश्वर का कलिशिया है। लेकिन इस कलिशिया के अंदर क्या रहना चाहिए? परमेश्वर का जीवन काम करना चाहिए। पवित्र आत्मा का उपस्थिति कलिशिया में भरा रहना चाहिए। हर एक दिन हम जागते हुए रहना चाहिए। यहाँ कैसा पड़ा है? कलिशिया जिंदा बोल रहा है लेकिन मरा हुआ है। आज हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ नहीं होना चाहिए, हम जिंदा रहना चाहिए। आज पवित्र आत्मा हमको यही सिखाते हैं, हम प्रभु में बना रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु में हम बने रहेंगे तब हम जीवित रह पाएंगे। अभी दुनियादारी में हम बने रहेंगे, क्या क्या है आज भी लोगों के अंदर? विश्वासी बोल रहे कलिशिया में आ रहे, लेकिन क्या है उनका जीवन के अंदर से? अभी भी मरा हुआ काम है। मरा हुआ कामों से वो लोग शुद्ध नहीं हुआ। मरा हुआ कामों का अभी भी वो लोग पकड़ के रखे हैं। मरा हुआ काम कैसे शुद्ध होता है? यीशु मसीह के लघु के द्वारा। हम जो भी कर रहे हैं करके, मरा हुआ काम हमारे अंदर है करके, उसको दिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। इसलिए क्या करना चाहिए? एक कलिशिया के अंदर, एक एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा से चलाए जाना चाहिए। लोग पवित्र आत्मा से चलाए जाते हैं वो लोग जरूर जीवित रहेंगे, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वो लोग काम करेंगे। यहाँ हम देखिए यही बातों को, यहाँ पांच बातों को यहाँ पवित्र आत्मा बताते हुए हम देख सकते हैं। उस कलिशिया को सिर्फ तुम तो मरा हुआ है ऐसा करके उसको छोड़ा नहीं है, उसको उपदेश करा, उठो, जागो, जागृत हो, तुम कहाँ गिर पड़े हो तुम वहाँ से उठ जाओ, जागृत हो करके वहाँ कलिशिया को उठा रहा है। आज जो लोग सोए हैं, आप लोग सोए हुए अवस्था में हो, आज जो भी विश्वासी भाई बहन आपको ऐसा लग रहा है बहुत गहरी नींद में आप है, आज पवित्र आत्मा का आवाज़ आ रहा है, तू जागृत हो। और जो कलिशिया के अंदर जो भी अभी वस्तु ऐसे ही थोड़ा बहुत उसमें बची है, थोड़ा बहुत उसमें जीवन है, उसको क्या करो? दृढ़ करो, मजबूत करो उसको। परमेश्वर यही है, देखिए जीवन देने वाला है, उसको बल देने वाला है, सामर्थ्य देने वाला है। इसलिए पवित्र आत्मा बोल रहा है तुम उसको, जो भी बच्चा है उसको दृढ़ करो। दृढ़ करने के लिए बोलता है मजबूत हो जा, जो कमज़ोर अवस्था से तुम उठ जा, ऐसे करके उसको उठा रहा है। फिर बोलता है स्मरण करो, जो सच्चाई को तुमने सुना है उसको स्मरण करते हुए उसको बात को मानने वाला बनो, बात को मानने वाला बनो, मन फिरो करके लिखा है। बात को मानो, मन फिरो, जागृत हो जा। जो भी बचे हुए हैं, जो भी वस्तु ऐसे ही तुम्हारे अंदर अभी भी कमज़ोर है, ढीलापन, उनको दृढ़ करो। ऐसे उसमें डूबे हुए गिरते हुए मत रहो, उसको दृढ़ करो करके बोल रहे। अभी जैसा अभी हम बोलते हैं एक कोई भी पौधा है उसमें हम क्या करते, थोड़ा सा जीवन है तो
जीवन है तो उसको हम क्या करते, बचाने के लिए कोशिश करते। अभी कोई पौधा है, नहीं तो कुछ ही जानवर है, नहीं तो कोई भी लोग है, वो थोड़ा जीवन है तो उनको क्या करते, उसको जीवन आने के लिए कितना प्रयास करते, उसको पूरा छाती पर पीटते हैं, उसको पानी छिटकाते हैं, उनको दबाते हैं, उसको उठाने के लिए कोशिश करते, मतलब जिंदा है वो, बच जाएगा। वैसे आज परमेश्वर भी बोल रहे कलिशिया में ऐसी स्थिति को आप दृढ़ करो, मजबूत करो, उसको जागृत हो जाओ, जो सोए है आप उठ जाइए। अब जो कौन सोए है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। जैसा आप दारू पीते हुए नशा में जो लोग रहते हैं, वो नशा में रहने वाला को देखिए, वो लोग जो भी बात बोलेंगे वो लोग ऐसे कहते हैं, हम जो भी कर रहा हूँ ना सही कर रहा हूँ, मतलब उनको पता ही नहीं चलता है। वो हमको पता है वो मर रहा है, उसको ऐसे किनारे पर, मृत्यु का किनारे पर वो पड़ा है, पूरा मरा हुआ ही जैसा है, वो नंगापन में है, उनको पता नहीं चल रहा। हम कितने भी उनको बोलेंगे, उसको कोशिश करेंगे भी, उनको समझ ही नहीं आएगा। उनको क्या है, मैं जो भी कर रहा हूँ सही है, मैं सही हूँ। उनके ऊपर कपड़ा भी नहीं रहता है, फिर भी हम बोलते हैं आपके ऊपर कपड़ा, उनको समझ नहीं आता है। क्योंकि यही है आज ऐसे ही कलिशिया के अंदर परमेश्वर देख रहा है, तुम तो जिंदा है बोलता है लेकिन नशा में है, दुनियादारी में है, परमेश्वर का वचन का विरोध में है। तुम उठो, जागृत हो, जागृत होना है। जैसा परिसी लोग, जैसा अपने हम जो भी कर रहे सही कर रहे, ऐसा नहीं है। आज लोग ऐसे ही सोच रहे, हम जो भी, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, अपने खुद की धार्मिकता के ऊपर लोग भरोसा करते, मतलब सोच रहे मैं तो 3 टाइम प्रार्थना करती हूँ, मैं 40 दिन उपवास करती हूँ, मैं सुबह भोर में उठकर प्रार्थना करती हूँ, मेरे ये प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मुझसे बहुत प्रसन्न है, ऐसे अपने खुद की धार्मिकता को बड़ा समझते हैं। लेकिन नहीं है, आप प्रेम से, यहाँ परमेश्वर वही परिसी लोगों से भी यही कहा, तुम लोग दशांश देते हो, दान धर्म करते हो, सब कुछ करते हो लेकिन दया को छोड़ देते हो। लेकिन परमेश्वर बलि को नहीं, दया को चाहते हैं, प्रेम को चाहते हैं, तरस खाना है। यहाँ क्या हो गया, महसूस नहीं है लोगों के अंदर, क्या हो जाता है, रीति रिवाज को करते करते मन अपने खुद की विचारों में, लोग अपने खुद की धार्मिकता को, अपने कर्मों को करते 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 उनके अंदर क्या हो जाता है, एक महसूस नहीं होता है। जैसा लोग बोलते हैं ना, जैसा कुछ बढ़ते नहीं है, वहाँ का वहीं पड़े रहते। जैसा कोमा में लोग रहते हैं, उनको क्या होता है, वो लोगों को शरीर में जीवन तो है, जीवन है, लेकिन क्या है, वो लोगों को कुछ काम नहीं कर पाते हैं, सब सुनाई तो देता है, खाते हैं, सब कुछ करते, लेकिन क्या है, उनका शरीर उठता नहीं है, काम करता नहीं है। ऐसे स्थिति में रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर हमको जिंदा किया, पहले हम ऐसे ही थे, हम मरे हुए अवस्था में थे, हम पाप में, अधर्मों के कामों में मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह क्या किया, हमें जिलाया, आज हमें उनके पवित्र लघु से हमें खरीद लिया, अभी हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया, अभी हमको हमारा नाम को क्या किया, जीवन की पुस्तक में लिख दिया। यहाँ वही बता रहा है, इस कलिशिया के अंदर भी थोड़े लोग ऐसा है, अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया, वो लोग अच्छे से उनको संभाला, वो लोग दुनिया अशुद्ध ऐसा नहीं, दुनियादारी बातों में, विपचार में, मोग माया में, बाहर के जो गंदगी से वो लोग क्या किया, बचकर रहा, परमेश्वर का डर भय मानते हुए पवित्र आत्मा चलाए जाते थे। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, ये लोग मेरे साथ घूमेंगे। ये कितना बड़ा आशीष का अनुभव है, देखिए आज हम भी राजाओं का राजा यीशु मसीह के साथ, हमको चलने का, घूमने का अधिकार हमें मिला है। वो क्या किया, अपने खुद की धार्मिकता से हम कभी उसके साथ चल नहीं पाएंगे। उन्होंने हमें क्या किया, अपने धार्मिकता का वस्त्र को पहनाया, अपने उद्धार का वस्त्र को हमें पहनाया। तब उसको हमको क्या करना चाहिए, हर दिन हम उसको संभालते हुए, हम उनको बचाते हुए, हमको सावधान रहना पड़ेगा, हम जागृत रहना पड़ेगा। आज कलिशिया का यही बता रहा है, कलिशिया आज ऐसे ही मरा हुआ अवस्था में नहीं है,
नहीं रहना चाहिए, परमेश्वर वो नहीं चाहते, क्योंकि हमारा परमेश्वर युगान युग जीवित रहने वाला, आदि और अंत वही है, वो सारे कामों को जानने वाला। इंसान बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर आपका अंदर देखता है। लेकिन लोग कलीसिया सोच रहा है, हम तो सब कुछ ठीक ठाक करेंगे, हम तो दशांश देते, वो करते, प्रार्थना करते। लोग सोच रहे खुद की धार्मिकता से हम चल रहे हैं, लेकिन खुद की धार्मिकता कैसा है? फटा हुआ कपड़ा के समान है। उसके वो पहनकर आप राजाओं का राजा के साथ चल नहीं पाएंगे। जैसा हम पुराना नियम में हम देख रहे हैं, एस्तर का कहानी में आप देखेंगे, वहाँ मोर्देकाई वो उसका जो भी पुराना कपड़ा के साथ वो राजा के साथ नहीं चल पाएगा। राजा के साथ चलने के लिए उनके लिए एक वस्त्र पहनाया जाता है, राजमहल से वो आता है, तब वो पहनकर उसका अंगूठी पहनकर उसका मुकुट पहनकर वहाँ वो राजा के साथ घूमने का मौका उनको मिलता है, यही है। लेकिन लोग सोच रहे हैं हम जो भी कर रहे सही है, मैंने इतना दशांश दे रहा हूँ, मैंने इतना उपवास कर रहा हूँ, मैंने इतना ये कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना बाइबल पढ़ रहा हूँ, लेकिन जरा से भी उनका अंदर दया नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, घमंड से भरा हुआ है। ये लोग सब कैसा है? मरा हुआ काम। पवित्र आत्मा के लिए जगह नहीं है। पवित्र आत्मा की जगह देंगे, वो सच्चाई की आत्मा उनको सही सच्चाई के अंदर लेकर जाएंगे, तब इन लोग उस पवित्र परमेश्वर का धार्मिकता को लोग पहनते हुए उसको संभालते हुए लोग चलेंगे, जागृत रहेंगे, तब उन लोगों को जय पाने वाला के लिए परमेश्वर वहाँ क्या देता है? इस कलीसिया के वही बताया, जय पाने वालों के लिए वहाँ उनका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा रहेगा, सबके सामने, मेरा पिता के सामने, स्वर्गीय दूतों के सामने मैं क्या करूँगा? उनका नाम को मैं खबलावत करूँगा, मैं उनका नाम को बताऊँगा सबके सामने। देखिए कितना बड़ी आशीष हमें मिलता है परमेश्वर स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग राज्य में सबके सामने, पिता के सामने, वहाँ पवित्र लोगों के सामने, स्वर्गीय दूतों के सामने हमारा नाम को वहाँ कबलावत करेंगे। कितना अच्छा लगता है ना, जैसा अभी हम कभी स्कूल में नहीं तो कोई फंक्शन में कुछ अवार्ड लेंगे, कुछ प्राइस मिलेगा, तब हमारा नाम को सबके सामने वहाँ बोलते तो कितने हमारे अंदर एक अच्छा लगता है, एक अच्छा अनुभव आता है। यहाँ स्वर्ग का राजकुमार यीशु मसीह ने हमें ऐसे ही हमारा नाम को वहाँ कबलावत करेंगे, कितना बड़ा आशीष हमारे लिए परमेश्वर ने, बड़ा आशीष हमें मिला है। इसके लिए आज हमको क्या करना चाहिए? कलीसिया हमेशा जागते हुए रहना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए, मरा हुआ कामों को हमारे अंदर से हटाना चाहिए। जागते रहने वाला क्या करेगा? हमेशा बच जाएंगे। जो लोग सोए रहेंगे उनके ऊपर कभी क्या विपत आएगा उनको पता नहीं है। जैसा अभी हम एक यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हम क्या करना चाहिए? गाड़ी चलते जाने का समय हमारा मंजिल तक हम पहुंचने तक हमको क्या करना है? जागते रहना पड़ेगा। नहीं है तो वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या विपत्ति हमको आएगा? हमारा सामने क्या होने वाला हमें नहीं पता। यहाँ भी वही बोल रहा है, कलीसिया के लिए भी पवित्र आत्मा यही वहाँ चेतावनी दे रहा है, तुम जागते नहीं रहेगा, अभी तुमको क्या होने वाला है? मैं चोर के समान तुम्हारे ऊपर आएगा। परमेश्वर का दिन कैसा रहेगा? ऐसे बिंदास रहने वालों को अपना तैयारी नहीं है, उन लोगों को ऐसे एक बड़ा एक शॉक लगेगा, अरे क्या है? आज ही आने वाला था क्या? मुझे नहीं पता, नहीं पता। ऐसा हो जाएगा, चोर आएगा, चोर बोलकर आएगा क्या? चोर बोलकर नहीं आता है, कभी भी आएगा। आप अपना घर को क्या करते हो रात में? अब सोने के पहले क्या करते हो? अब सोने जा रहे हो तब तुरंत आप दरवाजा सारा जगह बंद करते हो, लॉक लगाते हो, कहाँ खुला है उसको अब बंद करके आते हो। क्यों? आप सोने जा रहे हो तब ये पूरा खुला रहेगा, कुत्ता आ जाएगा, चोर आ जाएगा, हमारा चीज को छेड़ देगा, कुछ चोरी कर लेकर जाएगा करके। आप इतना उसको क्या करते हो? बंदोबस्त करते हो, उसको सुरक्षा करते हो। क्यों? तैयार, आप एक जाग तैयारी के साथ रहते हो, क्योंकि चोर आ जाएगा, चोरी कर लेगा करके। एक आपका चीज के इतना आप इतना तैयार
करते हो, इतना आप संभालते हैं, तो आप अपना आत्मिक जीवन को, आप अपना धार्मिकता का वस्त्र को, परमेश्वर का धार्मिकता को आप संभालना है, पवित्र आत्मा से आप चलाया जाना है, इसलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, आप हमेशा जागृत रहना है। तब कलिशिया को मालूम होगा, परमेश्वर का दिन उसको मालूम होगा, अभी आने का समय आ गया है, हम तैयार रहने वाला जरूर ये हो जाएंगे। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, कलिशिया जैसे कोई कोई कलिशिया को ऐसे लोग चलाते हैं, परमेश्वर उनके हाथ में जो दिया है वो सेवकाई, उनको लोग सोच रहे बिंदास, सबको नहीं कहा, कोई कोई लोग ऐसे करते, अरे दिन परमेश्वर तो आने के लिए कह रहा है, कब आएगा करके वो लोग क्या कर रहे, पूरा कलिशिया के अंदर दुनियादारी को छोड़ दिया, खाओ पियो ऐसे नशा में रहो। आज कोई कोई कलिशिया के अंदर, कोई कोई विश्वासियों के अंदर वो आ गया, तब पवित्र आत्मा का जगह नहीं है, सच्चाई का आत्मा के लिए वहाँ जगह नहीं मिला, दुनियादारी के लिए वहाँ जगह मिल गया। वो लोग ऐसे कलिशिया को, शैतान क्या करता है, उसको चोर करने के लिए, वो चोर है, मार डालने के लिए, नष्ट करने के लिए, हाथ करने के लिए आता है, वो कर दिया कलिशिया को ऐसे, वो नशा में रख दिया वहाँ। जैसे अभी हम देख रहे हैं सिमसोन को, वह ऐसे ही तलीला का कोदी में नशा में सोया था, तब वहाँ वो बोल रही है, नशा में वो क्या कर दिया, पूरा अपना सीक्रेट को उनसे बता दिया, वो पूरा उसका बाल काट लिया, वहाँ परमेश्वर पवित्र आत्मा उनसे हट गया करके उनको पता ही नहीं चला। ये सोच रहा है अपने बारे में, घमंड से वो उठ रहा है, वो बोल रही है, हे सिमसोन, हे सिमसोन उठो, बेलिस्ती लोग तेरे ऊपर आ गया करके बोल रही है। लेकिन ये सोचा, अरे ये तो कितने बार ऐसे हो चुका है, मैं तो अभी उठूँगा, मैं तो पूरा तोड़ फाड़ कर मैं अभी चले जाऊँगा, वो लोग मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा करके उठकर ऐसे अपना खड़ा हो रहा है। आप न्याय का किताब में 16 अध्याय का 20 वचन में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ उठकर वो खड़ा होकर देख रहा है, बिल्कुल वो निर्बल है, क्योंकि बल देने वाला कौन है, पवित्र आत्मा है, सामर्थ्य देने वाला, जीवन देने वाला कौन है, पवित्र आत्मा है। वो वहाँ क्या हुआ, वो उठकर खड़ा होकर देख रहा है, उसके पास सामर्थ्य नहीं है, फिलिस्ती लोग आकर उनको पूरा कब्जा कर लिया, उसको जोकर बना दिया, हीरो था, लेकिन अभी वो जोकर बनकर वहाँ तमाशा दिखाने लगा, यही हो गया। पवित्र आत्मा आपका जीवन में नहीं है, आपका जीवन ऐसे ही लोगों के सामने एक तमाशा हो जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपका जीवन में आप काम करने के लिए देंगे, वो क्या करेगा, आपको हर एक सच्चाई के अंदर आपको याद दिलाएगा, वो यहाँ हम देख रहे हैं, वो याद दिलाएगा, आपको दृढ़ करेगा, किस में दृढ़ करेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य में, उसका वचन में आपको दृढ़ करेगा, आपको परमेश्वर का बातों को मानते हुए अब आगे बढ़ना है, आज मन फिरना है। आज पवित्र आत्मा इस वचन को क्यों हमको बता रहा है, हमको सही डायरेक्शन में हम जाने के लिए हमें बता रहा है। इसलिए आज आप लोग क्या कीजिएगा, आप जहाँ सोए हुए आप जाग उठिए, आज उठकर अपना दीवट को थैल से भरे रहना है, क्योंकि हमारा दुल्हा जल्दी से जल्दी कलिशिया को लेने के लिए आने वाला है, तैयारी के साथ रहना है। इसलिए आज आप अपने आप को दृढ़ कीजिए, प्रभु में मन फिरना है, मन फिरने के बारे में यहाँ बोल कर यहाँ खत्म कर रहा है। कभी भी प्रभु का समय है, किसी को भी नहीं पता है, लेकिन जो प्रभु में जागते रहते उनको पता है, जरूर मेरा प्रभु आएगा, वो मुझे ले जाएगा। ऐसे विश्वास जिसके अंदर है वो लोग सोए नहीं रहेंगे, वो लोग सावधान रहेंगे, जागते रहेंगे, वो लोग छोड़ दिया नहीं जाएगा, वो लोग उठा लिया जाएगा, वो लोग राजाओं का राजा यीशु राजा के साथ वो लोग चलेंगे, घूमेंगे, आनंद मनाएंगे, यही होने वाला है। इसलिए कलिशिया के लिए यही चेतावनी प्रभु दे रहा है, आज हम लोग मन फिरना है, जाग उठो ये कलिशिया, जाग उठो, तेरा प्रकाश तुझ पर आ गया है, जाग उठकर हम जहाँ मरे हुए में से, हम जाग उठकर प्रभु की आवाज़ तब सुनाई देगा, अब मरे हुए में रहेंगे आपका आवाज़ सुनाई नहीं देगा। आज अब उठना है, उठकर जागते रहिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आप हर दिन आपका जीवन चलते रहेगा, जरूर आप ठोकर नहीं खाएंगे, जरूर आप त्यागा नहीं जाएंगे।
आप परमेश्वर के साथ हमेशा आनंद मनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका बहुमूल्य वचन के लिए हम धन्यवाद करते। इस वचन आज हमारे अंदर एक जागृत को लेकर आए। हम ऐसे ही सोने वाला समान ना रहे, ऐसे मतवाला बनकर प्रभु एक नशा में हम ना रहे। आज हम सबके अंदर एक जागृति दीजिए, सबको आज उठाइए प्रभु। हम आपके साथ चलने के लिए आप हमें बुलाया, हम आपके साथ चलने के लिए प्रभु आप हमें चुन लिया, आपका धार्मिकता का वस्त्र को आप हमें पहनाया। धन्यवाद पिता, आप आज का वचन के द्वारा आप हमसे बात किया, धन्यवाद। तैयारी रहे कलिशिया, तैयारी रहे, मरा हुआ कामों को दूर करते हुए प्रभु जागते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।